दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूँ चार्ली चैपलिन की पूरी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ली चैपलिन का जो पूरा का पूरा उनका संघर्ष था, आखिरकार कैसे वो सफल हुए अपनी जिंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया कर दीजिए, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जानकारी देता रहूं। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। दोस्तों, ये चार्ली चैपलिन को आज पूरी दुनिया क्यों जानती है? क्योंकि वो बेस्ट कॉमिक एक्टर, बेस्ट फिल्म मेकर और बेस्ट कंपोजर ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे दिल के इंसान भी थे, जिन्होंने अपने जो प्रतिभा है दोस्तों उसको बनाया और उसको बरकरार रखा। दोस्तों, प्रतिभा बनाना, रिस्पेक्ट बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको मेंटेन रखना सालों साल, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और चार्ली चैपलिन उनमें से एक है। आखिरकार ऐसा क्या था इस इंसान में जो कि इसने इतनी ज्यादा सफलता हासिल करी, और देखते ही देखते ये लोगों के दिलों में राज कर रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके बचपन की। दोस्तों, इनके बचपन में इनके जो पापा थे, इनके जो फादर थे, वो एक बहुत अच्छे ब्रिटिश म्यूजिशियन थे, बहुत ज्यादा म्यूजिकल एंटरटेनर थे। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जो शो बिजनेस था वो उन्हीं से इंस्पायर हुआ था। ये अलग बात थी दोस्तों कि जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने, उनका जो छोटा भाई था और उनकी जो मम्मी थी हाना हॉल, उनको अकेले छोड़ दिया था और वो दूसरी जगह शादी करने चले गए थे। दोस्तों, 10 साल के चार्ली चैपलिन के पास कुछ बचा नहीं था। उनकी मम्मी मेंटली सिक हो गई थी, दिमाग की बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। दोस्तों, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। उनकी मम्मी भी एक स्टेज परफॉर्मर थी, सिंगर थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, लेकिन कम शोज करा करती थी, जिससे उनके घर का राशन पानी अच्छे से हो जाता था। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते जब उनके फादर ने उनको छोड़ दिया, यंग चार्ली चैपलिन और उनके छोटे बच्चे दोस्तों सड़क पे आ गए थे, क्योंकि उनकी मम्मी के इलनेस के चलते उन्होंने शोज कम करने शुरू कर दिए। जो लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट देते भी थे दोस्तों, उन्होंने अपने वापस कर लिए थे, क्योंकि वो टाइम पर शोज नहीं कर पाती थी। जिसके चलते दोस्तों, पहले चार्ली और उनका भाई अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उनको दूसरों के घरों में काम करना पड़ गया। और जो दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जिन जिनमें कम पैसे में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, नॉर्मल जो स्कूल होते हैं उनमें उनको एडमिशन लेना पड़ा। दोस्तों, चार्ली चैपलिन बहुत तेज बुद्धि वाले थे अपने टाइम पे। 12 साल की उम्र में दोस्तों उन्होंने अपने जगत में डेब्यू किया था। दोस्तों, सबसे पहले ये कोई कॉमेडियन या एंटरटेनर नहीं बने थे, ये सबसे पहले इन्होंने डांस की प्रैक्टिस ज्यादा करी थी, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग डांस की इन्होंने प्रैक्टिस करी थी। जुविलियन ग्रुप के साथ इन्होंने पहली अपनी परफॉर्मेंस करी थी। दोस्तों, इनके अंदर इनहेरेंट टैलेंट था, क्योंकि इन्होंने अपने फादर को बचपन से देखा था कि वो कैसे करते हैं एक्टिंग। तो 10 साल की उम्र से ही जब उनको छोड़ के गए, ये उनको रूबरू कॉपी करने लग गए, ताकि वो भी अपना प्लेटफॉर्म चला सके और अपनी मम्मी की इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। दोस्तों, देखते ही देखते इनकी जो मम्मी थी हाना, उनकी आवाज परमानेंटली बैठ गई थी, जिसके चलते दोस्तों जो उनकी मम्मी ने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे उनको पूरा करना लाजमी था, क्योंकि उन्होंने एडवांस पेमेंट ले ली थी। तो दोस्तों, क्या हुआ, चार्ली चैपलिन ने, 10 साल के थे ये दोस्तों, इन्होंने अपने मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट लिया और वहां पे जाके, स्टेज पे जाके परफॉर्म किया। इनकी मम्मा बहुत अच्छा गाती थी दोस्तों, लेकिन जो इनकी इलनेस थी उनके चलते इनकी आवाज बैठ गई थी, जिसके चलते दोस्तों जब चार्ली चैपलिन ने गाना गाया तो दोस्तों लाखों लोग
वहाँ पे उस समय स्टेडियम में थे, और वो उन बच्चे को देख के पहले तो हंसने लगे, और जब उन्होंने गाया तब वो और हंसने लगे। दोस्तों, आपकी लाइफ में भी ऐसे क्रूशियल मौके आते होंगे जब आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते उस टाइम पे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं क्या चार्ली चैपलिन ने क्या किया। तो दोस्तों, उनको फिर पता चल गया था कि उनके मजाक उनका ज्यादा उड़ रहा है, तो क्यों ना इसी को उसका अपना प्रोफेशन बनाया जाए। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, उनको वो दो जो उनकी डेली लाइफ में कमी है। दोस्तों, तब कॉमेडी इतनी ज्यादा होती नहीं थी। दोस्तों, ये इनका जो कॉमेडी एक्ट था जो उनको, दोस्तों वो जैसे गा रहे थे तो दोस्तों बहुत ज्यादा फनी फेसेस बना के चार्ली चैपलिन उस टाइम पे गा रहे थे, 10 साल के थे, तो वहां पे दो दोस्तों ऑडियंस थी, उसमें शर्लोक होम्स आप जानते होंगे दोस्तों, फिल्म बहुत मशहूर थी, उसके एक डायरेक्टर वहां पे मौजूद थे जिन्होंने चार्ली चैपलिन को 1999 में जब वो फिल्म आई थी उसमें छोटा सा रोल उनको दिया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। देखते ही देखते 1908 में इन्होंने एक ड्रामा भी किया था, अ नाइट इन द इंग्लिश म्यूजिक हॉल, जिसके चलते दोस्तों इनके इस ड्रामा में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन करी। फिर दोस्तों 1913 में ये अमेरिका आए, जहां पे इन्होंने बहुत ही रोमांचक अपनी जो जर्नी है कॉमेडी की वो शुरू करी। दोस्तों, इन्होंने $112 पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, और देखते ही देखते दोस्तों इनकी आर्थिक स्थिति जो बिगड़ गई थी वो सुधरने लगी धीरे धीरे। तो दोस्तों, आपको इनके एक्सपीरियंस से क्या लगा, क्या लगता है दोस्तों, जो चार्ली चैपलिन थे उन्होंने जो उनकी कमी थी, जो लोग हंस रहे थे उस हॉल में, वो ये भी कर सकते थे दोस्तों, शर्मिंदा होके वो अपने घर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा, वो फेसेस बनाते गए, एंटरटेन करते गए, और देखो दोस्तों उन्होंने आज पूरे के पूरे जगत में अपना नाम अभी तक रोशन किया हुआ है। दोस्तों, यही डिफरेंस होता है एक लूजर में और एक विनर में, कि विनर हर एक अपॉर्चुनिटी को अच्छा मानता है, और एक लूजर क्या करता है, शर्म आके चले जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें, अपने यूथ को जागरूक करने के लिए दोस्तों ये मैंने वीडियो आप सबके लिए बनाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है ना, तो इसको शेयर करो हर उस इंसान तक जो कि डिप्रेस हो जाता है। दोस्तों, सीखो इनके चार्ली चैपलिन के बचपन से, देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, छोड़ के चले गए सब, अपने तक पराए हो जाते हैं जब दोस्तों बुरी स्थिति आती है। बस हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और दोस्तों अपना कर्म करते चलना चाहिए। मैं बहुत इंस्पायर होता हूं दोस्तों चार्ली चैपलिन के इस इंसिडेंट से। क्या आप होते हैं? अगर दोस्तों आपको इनकी फिल्म पसंद आती है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कौन सी ऐसी फिल्म है दोस्तों जो कि आपको बहुत पसंद आती है चार्ली चैपलिन की, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी रोमांचक वीडियोस बनाता रहूं, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और इंटरेस्ट बना रहे। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।